हेलो, वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और आज हम लोग बच्चों अध्याय 12 क्लास 7 का परिमेय संख्या को पढ़ेंगे और उसका प्रश्नावली करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानने के लिए परिमेय संख्या क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग पीछे का रिवाइज करेंगे। प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं बच्चों? जो गिनती की संख्या होती है 1, 2, 3, 4 और यह अनंत तक, इनको क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर आप ऐसे समझे, ये प्राकृतिक संख्या का परिवार है जो शुरू होता है 1 से लेकर अनंत तक। ठीक है, जब इस प्राकृतिक संख्या में हम शून्य को सम्मिलित कर देते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्या के परिवार में जब हम शून्य को भी ला देते हैं, तो इस पूरे परिवार को हम क्या कहते हैं बच्चों? पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या 0 से यानी शून्य से शुरू होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या जो होती है वो हमेशा घनात्मक संख्याएं होती है, मतलब हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और इस घनात्मक संख्या में शून्य पूर्ण संख्या में जब हम ऋणात्मक संख्या को यानी कि -1, -2, -3, -4 और इस तरह से जब हम माइनस यानी कि ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर देते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? इस पूरे परिवार को क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग इसे पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब भिन्न संख्या के बारे में भी हमने पढ़ा है। भिन्न संख्या क्या होती है बच्चों? अंश बटे हर होता है। भिन्न संख्या में क्या होता है? अंश बटे हर। जैसे मान लीजिए 2/5, ठीक है, यह क्या है? एक भिन्न है। तो भिन्न में जो अंश होता है वो हमेशा शून्य भी हो सकता है और दूसरी कोई घनात्मक संख्या हो सकती है। और जो हर होता है वह हमेशा सदैव क्या होता है? घनात्मक संख्या होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या है? यह भिन्न है। तो प्राकृतिक संख्या शून्य मिला दिए तो पूर्ण संख्या, और धनात्मक संख्या के साथ जब हम ऋणात्मक संख्याओं को मिला देते हैं तो यह बन जाता है हमारा पूर्णांक। और यह है हमारा भिन्न संख्या जिसमें अंश बटे हर होता है। ठीक है, अब देखिए एक बात और, हम नेगेटिव संख्या के बारे में दूसरे रूप में जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने मालूम है या पढ़ा है या हम लोग इस बात को जानते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर समुद्र तल है, ठीक है, कोई समुद्र का तल है, अगर समुद्र तल से ऊपर से 800 की ऊंचाई अगर हम कहें, समुद्र तल से ऊपर से 800 ऊंचाई, तो हम उसे व्यक्त कर सकते हैं +800। मान लीजिए इसे हम मीटर में व्यक्त करते हैं, ठीक है, 800 मीटर। ठीक है, तो समुद्र तल से ऊपर 800 की ऊंचाई को हम +800 मीटर से व्यक्त करेंगे। अगर हम लोग समुद्र तल से नीचे की ओर 800 मीटर आएंगे, नीचे की ओर 800 मीटर आएंगे, ठीक है, या ऊपर की ओर, और जब हम नीचे की ओर 800 मीटर आएंगे तो उसे हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? -800 मीटर। ठीक है, ये बात आई समझ में कि हम किसी भी चीज को ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस से व्यक्त करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस से व्यक्त करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने +800 मीटर और -800 मीटर को समझा। अगर हम 800 मीटर को किलोमीटर में अगर हमें बदलना हो बच्चों, अगर 800 को हमें किलोमीटर में बदलना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? 800 में हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 800 मीटर को जो हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, तो यह शून्य, यह शून्य और यह शून्य, यह शून्य कट गया। ठीक है, ये 2 से कट गया 4 बार में, ये 2 से कट गया 5 बार में, यानी कि आ गया हमारा 4/5 किलोमीटर, यानी +4/5 किलोमीटर। ठीक है, अब -800 मीटर को यानी सिर्फ 800 मीटर को अगर हम किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें -800/1000 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो शून्य शून्य और यह शून्य, यह शून्य कट गया और यह हो गया 4 और यह हो गया 5, यानी कि -4/5 किलोमीटर। तो क्या आ गया बच्चों हमारा? -4/5 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए यह जो हमने व्यक्त किया -4/5 किलोमीटर,
क्या यह एक भिन्न है? नहीं, यह एक भिन्न नहीं है, क्योंकि भिन्न में हमेशा ऊपर का जो अंश होता है वो शून्य होता है या घनात्मक संख्या होती है कोई, ठीक है। तो यह भिन्न नहीं है, ठीक है, यह भिन्न नहीं है और यह एक पूर्णांक भी नहीं है, ठीक है। माइनस चार बटे पांच ना तो पूर्णांक है ना तो भिन्न है। तो यह क्या है बच्चों? यह इस तरह का, जब हम संख्या को माइनस चार बटे पांच जब हम यहाँ पर इस परिवार में सम्मिलित कर देते हैं, ठीक है, माइनस चार बटे पांच को जो कि ना तो एक पूर्णांक है और ना तो एक भिन्न है, जब हम इस पूरे परिवार में सम्मिलित कर देते हैं, ठीक है बच्चों, जब इसको हम पूरे परिवार में सम्मिलित कर देते हैं तब हम इस पूरे परिवार को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि भिन्न के बाद के लिए इस तरह का जो माइनस में ऋणात्मक में जब हमारी संख्या होती है बटे के रूप में, तो हम क्या करते हैं? इस पूरे परिवार का विस्तार करते हैं, और विस्तार करने के बाद जब हम इसको इस परिवार में सम्मिलित कर लेते हैं तो इस पूरे परिवार को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब आती है बच्चों परिमेय संख्या की फिर परिभाषा क्या होगी? तो परिमेय संख्या की परिभाषा यह होगी कि ऐसी संख्या जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सके, ठीक है, ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सके जहां क्यू जो हो वह जीरो ना हो, ठीक है, क्यू जो हो वह जीरो ना हो, ठीक है। क्या सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है? ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती की संख्या होती है, और किसी भी गिनती की संख्या को हम पांच बटे एक के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहां अंश पांच है और हर एक है, तो हम यहाँ पांच बटे एक के रूप में लिख सकते हैं सारी गिनती की संख्या को, तो यह पी बटे क्यू के रूप में है और एक यहाँ पर अंश जो है वह जीरो नहीं है, इसलिए सारी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? क्या होती है बच्चों? परिमेय संख्या होती है, ठीक है। दूसरा है, क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है? तो पूर्णांक क्या होता है बच्चों? एक दो तीन चार गिनती की संख्या में शून्य सम्मिलित और घनात्मक संख्या के साथ साथ ऋणात्मक संख्या को जब हम मिला देते हैं तो इस पूरे परिवार को घनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या और शून्य को मिलाकर इस परिवार को हम पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक में गिनती की संख्या को तो हम बटे एक के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऋणात्मक संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने माइनस दो लिया, तो माइनस दो को हम माइनस दो बटे एक के रूप में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं। माइनस सात को क्या हम माइनस सात बटे एक के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसलिए सभी पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तीसरा है यहाँ पर, क्या सभी भिन्न परिमेय संख्या है? तो जैसे मान लीजिए तीन बटे सात एक भिन्न है, तो यह देखिए तीन बटे सात यानी जो भिन्न होता है वह अंश और हर के रूप में होता है, पी बटे क्यू के रूप में है और यहाँ हर जो है शून्य नहीं है, ठीक है। तो भिन्न में हर शून्य नहीं होता है, इसलिए सारे भिन्न जो है बच्चों परिमेय संख्या होती है, ठीक है। चलिए लास्ट यहाँ पर है, क्या पांच बटे शून्य एक परिमेय संख्या है? तो देखिए पांच बटे क्यू में पी जो पी बटे क्यू के रूप में है ये, लेकिन यहाँ क्यू का मान जो है यानी हर का मान जो है वह शून्य है, तो ऐसी कोई भी संख्या जिसमें हर का मान शून्य होता है वह परिमेय संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या। आगे चलते हैं हम लोग, तो चलिए बच्चों हम लोग सीखते हैं दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ पर दो परिमेय संख्या दिया हुआ है, एक माइनस तीन बटे दस और सात बटे दस। यहाँ आप देख सकते हैं इन दोनों का हर क्या है बच्चों? बराबर है। तो यहाँ पर इन दोनों जब हर बराबर होता है तो इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकालना बहुत ही आसान होता है, वो हमें साफ साफ दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर बच्चों माइनस तीन है, ठीक है, कितना है? माइनस तीन है, ठीक है, यह माइनस तीन बटे दस और सात बटे दस। तो अगर हम ऊपर के अंश को ले ले, हर को छोड़ देते हैं, माइनस तीन और सात, तो यहां पर देखिए माइनस तीन और सात के बीच में जितने भी पूर्णांक है उसको हम लिख लेंगे। तो माइनस तीन और सात के बीच कितना पूर्णांक है? माइनस दो है, माइनस एक है, शून्य है, एक है, दो है, तीन, चार, पांच, छह। तो यहां पर देखिए
ये माइनस तीन और सात के बीच का मैंने पूर्णांक लिख दिया। ठीक है, पूर्णांक का चैप्टर अध्याय हम लोग पिछले इस सिलेबस में मैथ में पढ़ चुके हैं। तो माइनस तीन और सात के बीच में कितने पूर्णांक है, माइनस दो से लेकर छह तक। तो ये कितनी संख्या है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ है। तो इन पूर्णांकों के नीचे हर दस लिखकर हम इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकालते हैं। तो इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या क्या क्या हो गया बच्चों, माइनस दो बटे दस, माइनस एक बटे दस, शून्य बटे दस, एक बटे दस, दो बटे दस, तीन बटे दस, चार बटे दस, पांच बटे दस, छह बटे दस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये परिमेय संख्याएं हो गई। अगर हर बराबर होगा और ऊपर के दो अंश के बीच में पूर्णांक अगर ज्यादा होंगे और जितने भी पूर्णांक होंगे हम उन पूर्णांक को लिख के उस हर से भाग देंगे, यह हमारा परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगा दो परिमेय संख्याओं के बीच। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। अब बच्चों आपके मन में यह सवाल आ सकता है, क्या इनके अलावा भी इन दोनों के बीच में और परिमेय संख्याएं हैं? तो हम लोग देखते हैं इसको। मान लीजिए माइनस तीन बटे दस में हम क्या करते हैं, माइनस तीन बटे दस में हम किसी संख्या से गुना करते हैं, लेकिन जिस संख्या से भी गुना करेंगे उसे ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। मान लीजिए पांच से गुना करते हैं, पांच से हमने गुना कर दिया ऊपर और नीचे, तो कितना हो गया, माइनस पंद्रह बटे दस, पचे पचास, माइनस पंद्रह बटे पचास। अब इधर भी उसी संख्या से गुना करेंगे, सात बटे दस में पांच ऊपर गुना, पांच नीचे गुना। ठीक है, सात पचे पैतीस और यह हो गया दस पचे पचास, यानी पैतीस बटे पचास। ठीक है, तो अब इनके बीच में, अब इन दोनों के बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या होंगी वो हम लिख देंगे। पचास नीचे भी है, पचास नीचे भी है, दोनों का हर समान है। तो माइनस पंद्रह बटे पचास से एक कम कितना हो गया, माइनस चौदह बटे पचास, माइनस तेरह बटे पचास, माइनस बारह बटे पचास, माइनस ग्यारह बटे पचास, और इस तरह से करते हुए शून्य बटे पचास बीच में आएगा, और इस तरह से करते हुए पैंतीस बटे पचास यानी चौतीस बटे पचास तक हम परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो यह परिमेय संख्या भी तीन बटे दस यानी माइनस तीन बटे दस और सात बटे दस के बीच में ही परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, माइनस ग्यारह बटे पचास के बाद क्या आएगा बच्चों, इधर माइनस दस बटे पचास, माइनस नौ बटे पचास, माइनस आठ बटे पचास, माइनस सात बटे पचास, इस तरह करते करते जीरो बटे पचास, और फिर शुरू हो जाएगा एक बटे पचास, दो बटे पचास, तीन बटे पचास, और यह चलता जाएगा चौतीस बटे पचास तक। तो ये सारी परिमेय संख्याएं जो है वह माइनस तीन बटे दस और सात बटे दस के बीच में ही है। अगर आप इसको काट के देखिए, जब हमने पांच और पांच से गुना किया तो यह माइनस पंद्रह बटे पचास, जब हम इसे काटेंगे तो यह माइनस तीन बटे दस के रूप में ही है। ठीक है, और पैंतीस बटे पचास जो है यह भी सात बटे दस के रूप में ही है। ठीक है, यह सात बटे दस ही है, पैंतीस बटे पचास क्या है बच्चों, सात बटे दस ही है, और माइनस पंद्रह बटे पचास क्या है, माइनस तीन बटे दस ही है। ठीक है, इसी तरह से हम जो है माइनस, कहाँ गया हमारा ये, ठीक है, माइनस तीन बटे दस और यह सात बटे दस है। तो माइनस तीन बटे दस में हम और परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए ऊपर सौ से गुना, नीचे सौ से गुना कर सकते हैं, और इसका गुना करके, और इधर भी हम सात बटे दस में ऊपर सौ से गुना और नीचे सौ से गुना करके ढेर सारी परिमेय संख्या इन दोनों के बीच निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो आप क्या बताएंगे बच्चों, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज प्रश्नावली 12.1।
चलिए हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं। अभी पिछला उदाहरण जो हमने देखा उसमें हर जो है वह बराबर था और उनके बीच की परिमेय संख्या हमें साफ साफ दिख रही थी, ठीक है। अब यह एक भिन्न है और कह लीजिए तो यह एक परिमेय संख्या है, तो दो परिमेय संख्या के बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ तो आपका हर जो है बिल्कुल अलग अलग है, तो अब हमें परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा बच्चों, हर को समान करना होगा, ठीक है। पांच और छह हर को जो है वो हमें समान करना होगा। तो दो भिन्न या दो परिमेय संख्याओं के हर को समान करने के लिए हम एक दूसरे के संख्या से उसका गुना करते हैं, यानी पांच में जब हम छह का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पांच छक्का तीस, और छह में पांच का गुना कर देंगे तो यह हर हो जाएगा तीस, ठीक है। और नीचे गुना करेंगे तो हमें ऊपर भी गुना करना होगा, ठीक है। तो दो बटे पांच में ऊपर हम छह से गुना और नीचे भी हम छह से गुना कर देंगे, यह कितना हो गया, बारह बटे तीस, फाइव सिक्स थर्टी, बारह बटे तीस। और इधर है पांच बटे छह, तो पांच बटे छह में हम ऊपर पांच से गुना और नीचे पांच से गुना कर देंगे, ठीक है। पांच में छह से गुना करेंगे और छह में पांच से गुना करेंगे तो दोनों का हर बराबर हो जाएगा। तो यह कितना हो गया बच्चों, पांच पच्ची पच्चीस, और यह हो गया सिक्स फाइव जा थर्टी, यानी पच्चीस बटे तीस, ठीक है। अब हमें साफ साफ परिमेय संख्या दिख रही है, कितना है ये बच्चों, बारह बटे तीस, ठीक है, यह है। इसके बाद हो जाएगा हमारा ये बच्चों तेरह बटे तीस, चौदह बटे तीस, पंद्रह बटे तीस, ठीक है, सोलह बटे तीस, सत्रह बटे तीस, अठारह बटे तीस, उन्नीस बटे तीस, बीस बटे तीस, इक्कीस बटे तीस, बाईस बटे तीस, तेईस बटे तीस, और यह हो गया चौबीस बटे तीस, ठीक है। यह कितना हो गया, चौबीस बटे तीस। तो जब हर अलग अलग होगा तो हम उसके हर को समान करके इस तरह से परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो दो और दो बटे पांच और पांच बटे छह में कितने परिमेय संख्या हो गए बच्चों, तेरह बटे तीस, चौदह बटे तीस, पंद्रह बटे तीस, सोलह बटे तीस, सत्रह बटे तीस, ये सारे कितने हो गए, यह इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या हो गए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 12.1 का पहला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच चार परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, यह हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस तीन और माइनस एक, ठीक है, माइनस तीन और माइनस एक जो है वह ऋणात्मक संख्या है और यह एक परिमेय संख्या भी है, ठीक है। तो माइनस तीन और माइनस एक परिमेय संख्याओं के बीच हमें और परिमेय संख्या यानी कि चार परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है बच्चों, चार, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस तीन को हम परिमेय संख्या के रूप में माइनस तीन बटे एक के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या के रूप में कहने का मतलब है बटे के रूप में, क्योंकि माइनस तीन खुद एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो माइनस तीन को माइनस तीन बटे एक लिखेंगे और यह माइनस एक को हम माइनस एक को हम माइनस एक बटे एक के रूप में लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये काम करेंगे, बटे एक के रूप में हम परिमेय संख्या को लिख देंगे। इसके बाद यहाँ देखिए बच्चों, जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, जैसे यहाँ हमें चार परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो चार से एक अधिक कितना हो गया, चार से एक अधिक हो गया पांच, ठीक है। चार से एक अधिक कितना हो गया, पांच हो गया। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी उससे एक अधिक, ठीक है। तो यह हो गया हमारा पांच। हम क्या करेंगे, पांच से ऊपर और नीचे दोनों में गुना करेंगे, ठीक है। तो माइनस तीन गुना पांच और नीचे भी हम गुना कर देंगे एक गुना पांच, ठीक है। माइनस एक में भी हम गुना कर देंगे पांच से और नीचे भी हम एक में गुना कर देंगे पांच से। तो यह कितना हो गया बच्चों, पांच तिरिका पंद्रह यानी माइनस पंद्रह बटे पांच, और यह कितना हो गया बच्चों, माइनस पांच बटे पांच, ठीक है। यह कितना हो गया, माइनस पांच बटे पांच। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, माइनस पंद्रह बटे पांच और यहाँ माइनस पांच बटे पांच,
अब हम बच्चों माइनस 15/5 आप इधर लिख दीजिए, ठीक है, और इधर लिख दीजिए आप माइनस 5/5। तो अब हम इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो माइनस 15/5 के अंदर, ठीक है, इसके अंदर वाली, इनके बीच वाली परिमेय संख्या लिख देंगे। तो कौन सी परिमेय संख्या हो जाएगी बच्चों? माइनस 14/5, माइनस 13/5, माइनस 12/5, माइनस 11/5, ठीक है, और यहां तक हम माइनस 5/5 तक लिख सकते हैं। तो यह हो गई हमारी चार परिमेय संख्याएं। कौन कौन सी? माइनस 14/5, माइनस 13/5, माइनस 12/5 और माइनस 11/5। यह परिमेय संख्या तो माइनस 3/1 के ही रूप में है। देखिए 5 1 5 और 15 जो है माइनस 3 से कटेगा, माइनस 3/1। तो माइनस 15/5 किस रूप में है बच्चों? माइनस 3/1 के रूप में है। तो यह नहीं लिखेंगे हम माइनस 14/5, माइनस 13/5, माइनस 12/5, माइनस 11/5, ठीक है। तो यह हमारी चार परिमेय संख्या है, किनके बीच? माइनस 3 और माइनस 1 के बीच, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है बच्चों, माइनस 2 और 0 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो माइनस 2 और 0 के बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 4। तो 4 से 1 अधिक हम 5 जो है लिख लेंगे, ठीक है। अब माइनस 2 को हम माइनस 2/1 के रूप में लिख लिए और 0 को हम क्या किए बच्चों? 0/1 के रूप में लिख लिए। और मैंने बोला जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी उससे एक अधिक संख्या को हम क्या करेंगे? ऊपर और नीचे गुना करेंगे। तो माइनस 2 में ऊपर 5 से गुना और नीचे 1 से 5 से गुना, ठीक है। ऊपर में 0 से 5 से गुना और नीचे 1 में 5 से गुना करेंगे। तो यह कितना हो गया? 5 × 2 = 10, यानी माइनस 10/5। 2 × 5 = 10 और माइनस है तो माइनस 10। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 0 0 5 1 5, यानी 0/5। तो देखिए माइनस 10/5 है और माइनस 10/5 और 0/5 के बीच में हमें परिमेय संख्या लिखनी है। तो माइनस 10/5 और 0/5 के बीच की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? माइनस 9/5। माइनस 10/5 है तो हम लिख दिए माइनस 9/5 होगा। माइनस 8/5, माइनस 7/5, माइनस 6/5। तो यह हो गई हमारी चार परिमेय संख्या, किनके बीच? माइनस 2 और 0 के बीच, ठीक है। तो चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, माइनस 1 और 0 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो चार परिमेय संख्या ज्ञात करना है, चार में हम एक जोड़ देंगे, यह हो गया 5, ठीक है। इसको क्या करेंगे बच्चों? हम लोग माइनस 1/1 के रूप में बटा 1 और 0 को हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 0/1 के रूप में हम लिख देंगे, ठीक है। अब हम 5 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुना करेंगे। तो माइनस 1 में 5 से गुना करेंगे और नीचे भी 1 में 5 से गुना करेंगे। तो यह हो गया माइनस 5/5, ठीक है। 0 में इधर हम 5 से गुना करेंगे ऊपर और 1 में हम नीचे भी 5 से गुना करेंगे। तो यह हो गया 5 0 0 और 1 × 5 = 5, यानी माइनस 5/5 और 0/5 के बीच की परिमेय संख्या हम लिख देंगे जो हमें साफ साफ दिख रही है। क्या हो जाएगा बच्चों? यह माइनस 4/5, यानी माइनस 5 से 1 कम इसके बीच की परिमेय संख्या होगी। तो माइनस 5 है तो माइनस 4/5, अब इससे 1 कम, माइनस 3/5, माइनस 2/5 और यह माइनस 1/5। तो यह हो गई माइनस 1 और 0 के बीच में 1 2 3 4 परिमेय संख्या, ठीक है। इस तरह से हम परिमेय संख्याओं को ज्ञात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, माइनस 4/5 और 2/5 के बीच में चार परिमेय संख्या ज्ञात करनी। कितनी परिमेय संख्या? चार परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। हम चार में एक जोड़ देंगे, हम 5 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया बच्चों, देखिए माइनस 4/5 में आप ऊपर 5 से गुना और नीचे हम 5 से गुना कर दिए, ये कितना हो गया?
पांच चौका बीस यानी माइनस बीस बटे पांच पच्चीस पच्चीस माइनस बीस बटे पच्चीस। यह दो बटे पांच है तो दो बटे पांच में भी हम ऊपर पांच से गुना और नीचे हम पांच से गुना करें, दो पच्चे दस पांच पच्चे पच्चीस, ठीक है। तो यह है माइनस बीस बटे पच्चीस और यह है दस बटे पच्चीस। अब हम इन दोनों के बीच में चार परिमेय संख्या लिखनी है, आप बीच में छोड़ छोड़ के भी लिख सकते हैं। अभी तक मैंने जितनी परिमेय संख्या बताई वो लगातार लिख के बताई, और बीच में छोड़ छोड़ के भी लिख सकते हैं दस बटे पच्चीस तक। जैसे यहाँ पर माइनस बीस बटे पच्चीस से एक कम कितना हो गया, माइनस उन्नीस बटे पच्चीस एक परिमेय संख्या हो गई। माइनस अठारह नहीं लिखना है आप, कुछ माइनस सत्रह बटे पच्चीस लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस तेरह बटे पच्चीस लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दस बटे पच्चीस के पहले क्या क्या हो सकता है, दस बटे पच्चीस के पहले हो सकता है सात बटे पच्चीस हो सकता है, ठीक है, और नौ बटे पच्चीस हो सकता है। तो यह सारी जो है आप संख्याएं छोड़ छोड़कर भी लिख सकते हैं। अगर लगातार लिखनी हो दस से ज्यादा तो माइनस उन्नीस बटे पच्चीस, माइनस अठारह बटे पच्चीस, माइनस सत्रह बटे पच्चीस, माइनस सोलह बटे पच्चीस, माइनस पंद्रह बटे पच्चीस, माइनस चौदह बटे पच्चीस, माइनस तेरह बटे पच्चीस, माइनस बारह बटे पच्चीस, माइनस ग्यारह बटे पच्चीस, ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं। दस बटे पच्चीस के पहले क्या क्या हो जाएगा, नौ बटे पच्चीस, आठ बटे पच्चीस, सात बटे पच्चीस, छह बटे पच्चीस, पांच बटे पच्चीस, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यह हो गया माइनस चार बटे पांच और दो बटे पांच के बीच में हमें चार ही परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, मैंने यहाँ चार से ज्यादा एक लिखा हुआ है, ठीक है। तो यह हो गया इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पांच को करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर पांच है माइनस चार बटे पांच और माइनस पांच बटे सात के बीच में चार परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो चार परिमेय संख्या ज्ञात करना, अभी तक हमने क्या कर दिया, चार में एक जोड़ दिया, पांच से हम ऊपर और नीचे गुना करते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पांच से ऊपर और नीचे डायरेक्ट गुना कर देंगे तो दोनों का हर क्या होगा बच्चों, वो अलग होगा, और जब तक हर समान नहीं होगा तब तक हम परिमेय संख्या ज्ञात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों की हर को समान करेंगे, पांच में सात से गुना कर देंगे ऊपर नीचे यहाँ पर, तो ये पैंतीस हो जाएगा, साथ में पांच से ऊपर और नीचे गुना करेंगे तो यहाँ पैंतीस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं बच्चों, माइनस चार बटे पांच में ऊपर सात से गुना नीचे सात से गुना, तो यह कितना हो गया, माइनस अट्ठाईस बटे पैंतीस, ठीक है, यह हो गया। अब इधर का देखिए, माइनस पांच बटे सात में ऊपर हम पांच से गुना और नीचे भी हम पांच से गुना कर देंगे तो कितना हो गया, पांच पच्चीस पच्चीस, माइनस पच्चीस बटे सात, सात पच्ची, यह हो गया पैंतीस, ठीक है। तो अब देखिए माइनस अट्ठाईस बटे पैंतीस और माइनस पच्चीस बटे पैंतीस में हमें दो ही परिमेय संख्या दिख रही है, कौन कौन सी, माइनस सत्ताईस बटे पैंतीस और माइनस छब्बीस बटे पैंतीस, लेकिन हमें ज्ञात करना है चार परिमेय संख्या। अब क्या करेंगे बच्चों, हर दोनों का समान करने के बाद अब हम पांच से ऊपर और नीचे गुना करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम ऊपर और नीचे पांच से गुना करेंगे, तो माइनस अट्ठाईस बटे पैंतीस में ऊपर पांच से गुना और नीचे भी पांच से गुना करेंगे तो यह कितना हो गया बच्चों, माइनस एक सौ चालीस बटे एक सौ पचहत्तर हो जाएगा, पैंतीस पच्चीस एक सौ पचहत्तर। और इधर भी क्या करेंगे हम बच्चों, माइनस पच्चीस बटे पैंतीस में हम ऊपर पांच से गुना और नीचे पांच से गुना करेंगे तो यह कितना होगा, माइनस एक सौ पच्चीस बटे पैंतीस पच्चीस एक सौ पचहत्तर। तो यह आ गया हमारा माइनस एक सौ चालीस बटे एक सौ पचहत्तर और इधर माइनस एक सौ पच्चीस बटे एक सौ पचहत्तर, ठीक है। अब हम इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या, कोई भी चार परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इससे एक कम लिखना शुरू करेंगे, एक सौ उनतालीस बटे एक सौ पचहत्तर, एक सौ अड़तीस बटे एक सौ पचहत्तर। ऐसा करते हैं बच्चों, हम लोग माइनस एक सौ पच्चीस बटे एक सौ पचहत्तर तक सारी परिमेय संख्या को लिख लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है, यह हो गया। इसके बाद माइनस एक सौ सैतीस बटे एक सौ पचहत्तर, माइनस एक सौ छत्तीस बटे एक सौ पचहत्तर, माइनस एक सौ पैंतीस बटे एक सौ पचहत्तर, माइनस एक सौ चौतीस बटे एक सौ पचहत्तर,
माइनस 133 बटे 175, माइनस 132 बटे 175, ठीक है, माइनस 131 बटे 175, ठीक है, माइनस 130 बटे 175, माइनस 129 बटे 175, माइनस 128 बटे 175, माइनस 127 बटे 175, माइनस 126 बटे 175, ठीक है। तो ये सारी परिमेय संख्या हो गई, किनके बीच हो गया बच्चों, माइनस 140 बटे 175 और माइनस 125 बटे 175 के बीच में सारी परिमेय संख्या हो गई। इसमें से कोई भी चार आप परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में उत्तर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनस 1/2 और 2/3 में परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है, ठीक है। हमें चार परिमेय संख्या ज्ञात करना है। यहां पर देखिए, दोनों का हर बराबर नहीं है, तो हम दोनों के हर को बराबर करेंगे। तो माइनस 1/2 में हम क्या करेंगे, तीन से, दो में तीन से गुना करेंगे, छह आएगा, तीन में हम दो से गुना करेंगे, तो तीन है। माइनस 1/2 में तीन से गुना कर देंगे और ऊपर नीचे भी हम तीन से गुना करते, यह आ जाएगा माइनस 3/2 आ गया। अब यहां देखिए, 2/3 है, तो 2/3 में हम ऊपर दो से गुना, नीचे दो से गुना कर देंगे, 2 × 4 और 3 × 6 यानी 4/6। अब देखिए, माइनस 3/6 और 4/6 के बीच में हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। यहां हमें 5 से ऊपर नीचे गुना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके बीच हमें 4 से अधिक परिमेय संख्या दिख रही है। तो कौन कौन सी हो जाएगी, माइनस 2 से कम 1 क्या हो गया, और माइनस 3 से 1 कम क्या हो गया, माइनस 2। तो माइनस 2/6, माइनस 1/6, 0/6 और इधर कितना हो गया बच्चों, 1/6, 2/6 और ये हो गया 3/6, ठीक है। यानी कि यह चार परिमेय संख्या आप लगातार लिख सकते हैं, 2/6, 3/6 और इसके बाद क्या आ जाता है बच्चों, इसके बाद आ जाता है 4/6। तो यह हो गई हमारी परिमेय संख्या, चार ही परिमेय संख्या लिखनी थी, हम यहाँ दो एक्स्ट्रा लिख दिए, ठीक है। तो माइनस 2/6, माइनस 1/6, 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, यह हो गई हमारी चार परिमेय संख्या। तो चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रतीक प्रतिरूप में 5 और परिमेय संख्याएं लिखिए, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है हमारा, माइनस 1/2, माइनस 2/4, माइनस 3/6, ठीक है। मैंने अभी वीडियो बनाया था, फिर से आवाज चली गई थी, तो मैं यहाँ लिख चुकी हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ऊपर जो है माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, एक एक अंक बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही हम ऊपर का लिख देंगे, माइनस 3 के बाद माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7, माइनस 8। नीचे अगर आप हर में देखें तो यह दो छोड़ छोड़ कर है, ठीक है, यानी दो का पहाड़ा है, 2, 4, 6, तो हम लिखते जाएंगे आगे 8, 10, 12, 14, 16 और इस तरह से हमारा यह परिमेय संख्या बन गया, ठीक है। कौन कौन सा, माइनस 4/8, माइनस 5/10, माइनस 6/12, माइनस 7/14, माइनस 8/16, ठीक है। तो जैसे दिया हुआ है ठीक उसी रूप में हम उसे लिखते जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए माइनस 2/5, माइनस 4/10, माइनस 6/15, ठीक है। ऊपर देखिए तो दो की गिनती है, माइनस 2, दो का पहाड़ा, माइनस 2, माइनस 4, माइनस 6, तो हम आगे इसी रूप में लिखते जाएंगे, माइनस 8, माइनस 10, माइनस 12, माइनस 14, माइनस 16, ठीक है। अगर आप नीचे की बात करें तो यह देखिए, 5 का पहाड़ा दिया हुआ है, 5, 10, 15, तो हम इसको लिख देंगे 5, 10, 15 के बाद 20, यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ बटे में आ जाएगा 30, यहाँ बटे में आ जाएगा 35 और यहाँ बटे में आ जाएगा 40। तो यह हमारी परिमेय संख्याएं होगी, माइनस 8/20, माइनस 10/25, माइनस 12/30, माइनस 14/35, माइनस 16/40। चलिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, माइनस 8/9, माइनस 16/18, माइनस 24/27, ठीक है। तो ऊपर देखिए तो 8, 16, 24 यानी 8 छोड़ छोड़कर
है, यानी 8 का पहाड़ा है। ठीक है, तो 8, 16, 24, तो क्या हो जाएगा इसके बाद माइनस 32, ठीक है, फिर हो जाएगा माइनस 40, माइनस 48, फिर कितना हो जाएगा माइनस 56, और यह हो जाएगा बच्चों हमारा माइनस 64। ठीक है, नीचे अगर आप बात करें तो देखिए 9, 18, 27, यानी 9 का पहाड़ा है। ठीक है, तो 27 के बाद क्या आ जाएगा, 27 के बाद आ जाएगा हमारा 36, तो ये बटे में 36 हो गया। उसके बाद आ जाएगा हमारा 45, इसके बाद आ जाएगा हमारा 54, इसके बाद आ जाएगा हमारा 63, और इसके बाद यहाँ हमारा आ जाएगा बच्चों 72। ठीक है, 9 की गिनती। तो यह हो गया हमारा परिमेय संख्या इसी रूप में। ठीक है, चलिए अब हमारा चौथा क्वेश्चन है बच्चों, 1/4, 2/8, 3/12। यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है ऊपर 1, 2, 3 गिनती है, हम लिखते चले जाएंगे 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए 4, 8, 12, 4 × 8, ठीक है, 4×1 = 4, 4 × 8 = 4×3 = 12, ठीक है, 4×4 = 16, और हम 4 का पहाड़ा लिख देंगे। ठीक है, 4×4 = 16, फिर हो गया हमारा 16, 20, 24, और यह हो गया बच्चों हमारा कितना 28। ठीक है, तो 1, 2, 3 चार ही संख्या है, 28, और यह हो जाएगा 8/, यहाँ पे यह हो जाएगा 32। ठीक है, तो यह हो गया हमारा इसी प्रतिरूप में हमारी 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है।